सुबह के बजे हैं दोस्तों 5:10 और हमेशा की तरह काम पे जाने का हो गया है वक्त। मेरी आ गई है टैक्सी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, मिलते हैं ऑफिस में। तो दोस्तों, ऑफिस आ गया था, देखिए 5:17, मतलब कि 7 मिनट में मैं पहुंच गया ऑफिस। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, ब्रेक हुई थी। यहाँ का मौसम यार बहुत ख़राब है, कल बहुत बारिश हुई है, बर्फ़ गिरी है, शिमला बन गया था कल माल्टा, और आज भी बारिश हो रही थी और अब धूप है, तो लुका छुपी चल रही है वेदर के साथ, मौसम के साथ। तो ये कंपटीशन चल रहा है दोस्तों वैलेंटाइन डे का, तो ये हमें गैस करना है कि इसमें कितनी कैंडीज हैं। कुलदीप ने कहा कि 34 है। आई पुट 50 बट आई डिडंट गेस, आई थिंक सो मच 50, आई नो वेरी सो मच, सो बट डिडंट 43। तुझे क्या लगता है कितना है? 22। नहीं यार, 22 नहीं होगी, ज्यादा होगी। कितनी होगी तेरे हिसाब से? ये होंगी इसमें 35। और भाई मेरा दिल करता है कि क्रिकेट पे जो गेंद पड़ी है ना वो ले जाऊं। मेरा तो बैट लेने को मन कर रहा है। पराडा, यू वांट सम बैट? मैं बैट, या मेरा पास बड़ा बैट है घर पे। कौन सी कंपनी का? गुच्ची का? मेरा पास एक ही बॉल नहीं है, मेरा मैं आई वांट टू बॉल्स। सो वन लूज तो एक ही स्पेयर है, दो स्पेयर है। पराडा पराठा, 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 आलू का पराठा, पराठा। ब्रदर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यस, ब्रदर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? खरबूजा मालूम है ना? खरबूजा, खरबूजा दे दो, कट दे दो। हाँ, ऊपर में, हाँ, मसाला देंगो। अच्छा, ओके, व्हाट यू नीड? उप्पु, सॉल्ट, व्हाट यू से हिंदी? वी ऑल फॉर इंडियन सॉल्ट, हिंदी, नमक देंगो। वी आर टीचिंग हिम हिंदी, ही नो हिंदी, बट वी आर टीचिंग हिम लिटिल बट ही नो, बट ही अंडरस्टैंड ब्रो, समझता है, ही नो एवरीथिंग ब्रो, ही नो पंजाबी एज़ वेल, बट बातें नहीं है, यू नो पंजाबी एज वेल ब्रो। मैं तो इसके पल्सर बाइक देखी है नीचे इधर। और दोस्तों, ये इकलौता बंदा है माल्टा में जिसके पास पल्सर है, जो इसने इंडिया से मंगवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए। सो दोस्तों देखिए, पल्सर बाइक माल्टा में, और वो भी पराडा की है। इज वेरी रिच गाय फ्रॉम इंडिया दोस्तों, दैट्स व्हाई हिज नेम इज पराडा, राधा गोकुल कृष्णा। अरे ये कहाँ से आया? वो मेरा असिस्टेंट है, ये दूसरी ग्रह से आया है। संजू बाबा, अपना संजू बाबा, संजू बाबा मुंबई, फ्रॉम मुंबई। ये माल्टा का संजू बाबा है, डुप्लीकेट। ये संजय दत्त का फैन है बहुत ज्यादा, नहीं अजय देवगन का। तू ही बनेगा अगला एल्विश, एल्विश खान। ये है जंगिस खान दोस्तों, उससे मिलिए। ये है हल्की आंच में बना हुआ अजय देवगन। हल्की आंच में, ये है हल्की आंच में। दोबारा बोल, एक बार इससे ले लो ना। हाँ दोस्तों, तो इससे मिलिए, ये है हमारा हल्की आंच में बना हुआ अजय देवगन। दोस्तों छुट्टी हो गई है और बस का वेट कर रहा हूँ, और आज मेरे साथ है इवाना। आज इवाना की फर्स्ट राइड है बस की। डू यू नो द ट्रांसपोर्टेशन हियर? ऑफ कोर्स, दे आर यू नो ऑलवेज ऑन टाइम। सी, तो दोस्तों काम से आ गया था, अभी जा रहे थे लिडिल। एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे घर के बहुत पास है, तकरीबन 700-800 मीटर पे है लिडिल। तो बहुत दिनों से पानी की जो बोतलें हैं, बॉटल्स हैं, वो इकट्ठी हुई हुई थी, और यहाँ पे अब इन्होंने जैसे मशीनें लगा दी हैं, उस पर चार्जेस होते हैं पानी की बॉटल्स पे भी। 10 सेंट की एक बॉटल आप मशीन में डालनी पड़ती है, अदरवाइज बॉटल्स ऐसे हम फेंक नहीं सकते हैं। तो आज काम से आने के बाद बस सोचा कि चलो फिर ये भी काम कर ही आते हैं, और इसी बहाने चलो थोड़ी कमाई भी हो जाएगी, अदरवाइज
ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कि बॉटल्स को वापस जाके हम डालें। तो चलो टाइम था तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ, मशीन भी दिखाऊंगा आपको मैं। दोस्तों देखो माल्टा अभी भी कितना खाली पड़ा है, इतना छोटा आइलैंड होने के बाद भी देखा जाए तो दूर दूर तक आपको पूरी हरियाली दिखेगी, मतलब खेत दिखेंगे और पीछे देखिए बिल्डिंग्स हैं और फिर तो समुंदर आ जाता है। बट ओवरऑल अभी भी बात करें तो बहुत खाली है। और इस साइड अगर हम बात करें तो एक ये क्या कहते हैं हम, नई एक सुपर मार्केट खुल रही है यूरो स्पिन, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर किसी ने जॉब अप्लाई करनी है, कुछ करना है कैशियर के लिए या सुपरवाइजर हो गया बेकरी, अब एक सुपरमार्केट में देखिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है काम के लिए, तो ये सुपरमार्केट है यूरो स्पिन। आप गूगल पे जाइए, यूरो स्पिन मोस्टा लिखिए, वहाँ पे वैकेंसीज आ जाएंगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ओपन होनी है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी, तो अच्छा है, ट्राई कीजिए, अगर जॉब चाहिए हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके थोड़ी ही आगे अगर हम बात करें तो लिडिल आ जाएगा। तो लिडिल की अगर बात करें तो 200 मीटर पे ही ये है यूरो स्पिन, नया ओपन हो रहा है, तो टक्कर होने वाली है, डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे कि हम ऑस्टा में रहते हैं तो हमें देखते हैं पता लगेगा कि कोई डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी अच्छा है, आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी, गूगल पे जाइएगा यूरो स्पिन मोस्टा लिखिए और वैकेंसीज आ जाएंगी, जॉब्स इन यूरो स्पिन मोस्टा, तो वैकेंसीज आ जाती हैं, अप्लाई कीजिए, वी नेवर नो, जॉब मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए लिडिल भी आ गया और बॉटल्स वाला काम कर लेते हैं। दोस्तों आज है संडे का दिन और हम आ गए हैं लिडिल बॉटल्स को डालने, और संडे सैटरडे काफ़ी रश होता है क्योंकि छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने, बट हम तो कहीं से भी कर लेते हैं। और ये है जो मशीन्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बॉटल्स हमें डालनी होती हैं, तो बस यहाँ मशीनें डाल मतलब बॉटल्स डालते हैं और एक पर्ची मिल जाएगी हमें, फिर पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। तो देखिए दोस्तों ये बॉटल अंदर डाल रहे हैं और ऊपर जितनी भी बॉटल्स हैं जा रही हैं, क्रश हो रही हैं, तो ये उतना डिपॉजिट आता रहेगा। ये जैसे 5 बॉटल्स डाल दी हैं तो 50 सेंट बन गए हैं, आराम से डालने को कह रहा है वो। दोस्तों उसके बाद जैसे हमने ये प्रिंट वाउचर कर देना है, आप ये देखिए 1 यूरो 60 सेंट्स का हमें ये वाउचर मिल गया है और मंजूत को अलग से मिल गया है, तो सही है, कुछ ले लेंगे इसका हम। वैसे भी बॉटल्स फेंकने से अच्छा है कि पैसे मिल गए हमें, 1 यूरो 60 सेंट और कुछ और होंगे 1-2 यूरो, देखिए 2 यूरो 90 सेंट्स और 1 यूरो 60 सेंट, टोटल हो गया 4 यूरो 50 सेंट, 4.5 यूरो हो गए, तो अच्छा ही है ना। देखिए बॉटल्स फेंकने से अच्छा है कि मशीन में डालो, एक तो पोल्यूशन हम हेल्प कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने में और पैसा भी मिल रहा है। बहुत रश है दोस्तों आज लिडिल में, खास करके हम बस एक टमाटर लेने आए थे और अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ टमाटर से काम नहीं चलने वाला, ट्रॉली भरने वाली है, यही नुकसान है, मत आइएगा कभी भी।